गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम जीके का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। आज हमारे जो टॉपिक हैं वो एनिमल्स के बारे में, जो स्ट्रेंजर एनिमल हैं उनके बारे में जानना है। फर्स्ट हमारा जो एनिमल है वो है सन बियर। द सन बियर इज द बियर फाउंड प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो सन बियर हैं वो प्राइमरली प्रारंभिक रूप से कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय, रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है जो ज़्यादा वर्षा वाले जंगल होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है वो अक्सर जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके आसपास पाए जाते हैं। ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ये कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है, जो आपका भाग है, जैसे कि ये इंडिया का है और ये आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, ये जो हैं कंट्रीज वो किस में आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। द सन बियर स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 4 फीट इन लेंथ। जो सन बियर है वो स्टैंड, वो खड़ा हो सकता है अप्रोक्सीमेटली मीन्स होता है लगभग 4 फीट लेंथ तक, ये 4 फीट की लंबाई तक मतलब खड़ा हो सकता है। मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट मेंबर इन द बियर फैमिली, ये क्या है, ये बियर फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट मतलब वो जानवर है। इट इज ऑफन कॉल्ड द डॉग बियर, इसको अक्सर डॉग बियर भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल स्टेचर, किसके कारण, इसके कद के कारण। इट हैज ये 2 इंच 5 सेंटीमीटर टेल, इसकी जो टेल होती है, जो पूंछ की लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, एंड ऑन एवरेज वेट लेस देन 65 kg, और इसका जो औसत वेट होता है, जो वजन होता है वो कितना से कम होता है, 65 kg। नेक्स्ट हमारा स्टेंज एनिमल में कौन सा है, ये हमारा एंगोरा रैबिट। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो एंगोरा गोट है उससे कई मतलब ये सॉल वगैरह तैयार की जाती हैं, कंबल बनाए जाते हैं, हम गोट बकरी की बात कर रहे हैं। आप हमको मैसेज करके बताइए कि ये एंगोरा गोट है ये एशिया के किस रीजन में ज़्यादा पाई जाती है। अब चलिए रैबिट के बारे में जानते हैं। द एंगोरा रैबिट इज ए वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक रैबिट, ये कैसी है, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू रैबिट की एक ये प्रजाति है। डोमेस्टिक रैबिट ब्रीड फॉर इट्स लॉन्ग सॉफ्ट हेयर, इसके जो हेयर हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और सॉफ्ट काफ़ी मुलायम होते हैं। द एंगोरा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ डोमेस्टिक रैबिट, जो एंगोरा है ये कई जो पुरानी प्रजाति हैं उसमें से एक घरेलू पालतू रैबिट है, खरगोश है। ऑरिजिनेटिंग इन अंकारा, ये ऑरिजिनेटिंग कहाँ पर होता है, अंकारा तुर्की, ये अंकारा आपका कहाँ पड़ता है, तुर्की में। एलोंग विद द एंगोरा केट एंड एंगोरा गोट, और ये एंगोरा गोट और एंगोरा केट के साथ, ये हमने एंगोरा जो पूछा है ये हम अपने भारतीय सीमा के पास, जो हमने पहले भी पूछा था, ये भारतीय तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में एंगोरा गोट पाई जाती है और इससे काफ़ी महंगे जो गर्म कपड़े होते हैं वो बनते हैं। द रैबिट्स वर पॉपुलर पेट्स विद फ्रेंच रॉयल्टी इन द मिड 1700। जो रैबिट है ये पॉपुलर पेट्स, ये बहुत ही प्रसिद्ध मतलब ये पालतू जानवर कब बना, फ्रेंच रॉयल्टी इन द मिड 1700 में, जब फ्रेंच रॉयल्टी थी उस समय। एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और ये उसी स्प्रेड मीन्स होता है, इसका फैलाव कब हुआ, उसी समय पार्ट्स ऑफ यूरोप, कहाँ पर, यूरोप के भागों में, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, और सेंचुरी जो शताब्दी थी उसके अंत में। थर्ड है हमारा रेड पांडा। रेड पांडा इज ए मोस्टली हर्बीवोरस मैमल, हर्बीवोरस का मतलब है शाकाहारी, मैमल मीन्स होता है स्तनपाई। द रेड पांडा इज मोस्टली हर्बीवोरस मैमल, स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा सा जो हल्के कद का हो उसको कहते हैं छोटा सा, स्लाइटली लार्जर या थोड़ा बड़ा देन ए डोमेस्टिक कैट, जो आप अपनी डोमेस्टिक कैट होती है घरेलू जो
ये बिल्ली होती है उससे थोड़ा ये बड़ा होता है। द रेड पांडा है रेट्रिक स्टाइल क्लॉज। जो इसके पंजे होते हैं वो अर्ध अकुंचल सील होते हैं। थिक फर ऑन दी सोल, इसके जो सोल है जो पंजे के नीचे का भाग है उस पर फर होता है। ऑफ द फीट ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, इसको ये किससे बचाते हैं, सर्दी से। एंड हाइड सेंट ग्लैंड्स, और इसके जो सेंट ग्लैंड्स होती है उसको। द रेड पांडा इज नेटिव टू हिमालयाज इन नेपाल एंड साउदर्न चाइना। जो रेड पांडा है वो नेटिव टू हिमालयन, ये कहाँ से मूल रूप का है, हिमालयन क्षेत्र का, इन नेपाल, कहाँ पर, नेपाल में, एंड साउदर्न चाइना और चाइना में। आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत के एक स्टेट में ये बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है, उसको आप सेंड करके बताइए वह कौन सा स्टेट है। आपको हम हिंट के लिए ये भी बता दे रहे हैं उसकी सीमा किससे लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और भूटान से भी लगती है। इतना ही हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप हमको छोटा सा स्टेट का नाम बताइए कि वह कौन सा स्टेट है जिसमें कि ये रेड पांडा आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्लोथ। क्या है स्लोथ? स्लोथ्स आर मीडियम साइज्ड मैमल, ये कैसा है, मध्यम आकार का स्तनपायी जानवर है। दैट लिव इन सेंट्रल एंड साउथ, ये मध्य और दक्षिण भागों में रहता है। मोस्ट साइंटिस्ट कॉल दीज टू फैमिली, जो मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि ये टू फैमिली से बिलोंग करता है। द फॉलीवोरा सबऑर्डर वाइल्सम कॉल इट फाइलोफागा। स्लोथ्स आर ओमनीवोरस, ये कैसा है, सर्वाहारी, सर्वग्रहणी, कैसा है, सर्वग्रहणी। दे मे ईट इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़े मकोड़े। स्मॉल लिजार्ड मीन्स जो छोटी छिपकली होती है उसको खाता है। एंड कैरियन मीन्स होता है जो सड़ा गला मांस होता है उसको भी खाता है ये। बट देयर डाइट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ बर्ड, इसकी जो मोस्टली डाइट होती है उसमें बर्ड्स, कलियाँ होती हैं पौधों की। टेंडर्स सूट्स होते हैं, नाजुक शाखाएँ होती हैं। एंड लीव्स और पत्तियाँ होती हैं। ये कौन सा जो एनिमल था स्टेंज हमारा, स्लोथ। नेक्स्ट हमारा है एम्परर टैमरिन। द एम्परर टैमरिन इज द टैमरिन अलीगली नेम्ड फॉर इट्स सिमिलैरिटी विद द जर्मन एम्परर वायलेम। द हैंड्स एंड फीट आर ब्लैक, जो एम्परर टैमरिन है ये अलीगली नेम्ड इसका क्या है, फॉर इट्स सिमिलैरिटी, इसकी सिमिलैरिटी किससे, विद द जर्मन एम्परर विलियम सेकेंड से। इससे किससे इसको लिया गया, विलियम सेकेंड से मिलती होती का, इसका क्या नाम रखा गया है, एम्परर टैमरिनियन। दी हैंड्स, ये पता नहीं क्या रीजन हो, अभी इसमें देखेंगे, वैसे इसमें दिया नहीं है। द हैंड्स एंड दी फीट आर ब्लैक, जो इसके हाथ और पैर हैं वो कैसे हैं, ब्लैक। एंड दी टेल इज ब्राउन, और इसकी पूंछ कैसी है, ब्राउन। द एनिमल रीच ए लेंथ ऑफ 24 to 26 सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 24 से 26 सेंटीमीटर प्लस ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग टेल, और इसकी पूंछ कितनी, 35 सेंटीमीटर। इट वेट्स अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ग्राम। इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो वजन होता है वो कितना होता है, 300 से 400 ग्राम, मतलब बहुत ही ये छोटा और हल्का जानवर होता है, इसलिए इसको स्टेंस रेडी में रखा गया है। जहाँ तक मुझे ये पता है ये संभवतः शायद चीटियाँ ज़्यादा इसके खाने में होती हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।